प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार शाम से शुरू हुए लॉकडाउन के चलते रामनगर में थाना प्रभारी अशोक गौतम, तहसीलदार अरुण यादव, बीएमओ डॉक्टर आलोक कावदिया सहित नगर परिषद का स्टाफ सड़कों पर उतर आया और लॉकडाउन का पालन कराने लोगों को हिदायत देना शुरू कर दिया और सभी की दुकानें बंद करा बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की। सभी लोगों को यही सुझाव और समझाइश दी जा रही है कि आज शाम 6 बजे से लेकर मंडे मॉर्निंग 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। किसी भी तरीके के कोई प्रतिष्ठान, संस्थान वगैरह, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन नहीं होंगे। अति आवश्यक सामान की जो दुकानें हैं, मेडिकल वगैरह है, पेट्रोल पंप है, ATM वगैरह है, और ये सब चीज़ों के लिए छूट दी गई है। और लोगों को इसके साथ में समझाइश भी दी जा रही है मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, और अनावश्यक कोई व्यक्ति रोड में ना घूमे इस संबंध में भी समझाइश दी जा रही है। अगर कोई अनावश्यक घूमते बिना मास्क के पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।